हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक सांसद मंत्री बने, मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दाव खेलते हैं। इंडिया अलायंस या महागठबंधन छोड़ एनडीए ज्वाइन करने की चर्चाओं के बीच मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर इशारों में बड़ा हमला बोला है। दरअसल रोहतास और औरंगाबाद में सैकड़ों नेताओं ने विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने परिवारवाद की राजनीति करने वाले नेताओं पर तीखा हमला बोला और मंच से ऐलान कर दिया कि ना तो मैं खुद चुनाव लड़ता हूं, ना अपने परिवार के भाई या भतीजों को सांसद विधायक बनाने की राजनीति करता हूं। जरा बयान सुनिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक सांसद मंत्री बने, मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दाव खेलते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा 3 सीट मिला मुझे, जहां पे हमें जो उचित लगा, जिनकी तैयारी था उनको हमने चुनाव लड़ाया। जरूरी नहीं था कि मुकेश सहनी या उनके भाई वहां पे जाकर चुनाव लड़े। मुकेश सहनी यही नहीं रुके, इसके बाद मुकेश सहनी ने जाति की राजनीति करने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा और मुकेश सहनी ने मंच से कह दिया कि मैं हर जाति को टिकट देता हूं। बता दे कि आरजेडी पर यादवों को ज्यादा टिकट देने का आरोप लगता रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, जरा सुनिए। हम भले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम अपने पार्टी से एक हम पासवान भाई को हमने चुनाव लड़ाया, एक बनिया समाज से हमने चुनाव लड़ाया, एक हमारे कुशवाहा समाज से हमने चुनाव लड़ाया। अगर इससे पहले अगर 19 में लोकसभा देखते हैं तो 2 निषाद लड़ा, एक बनिया समुदाय से लड़ाया। जब बिहार विधानसभा 2020 का समय आया तो हमें 11 सीट मिला है तो हम 4 अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है, हमने दलित भाई को चुनाव लड़ाया था, हमने ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया, हमने राजपूत को हमने चुनाव लड़ाया, हम बनिया समुदाय से चुनाव लड़ाए। यानी कि हर जाति धर्म को हमने, यादव भाई को हमने टिकट दिया, हर जाति धर्म को हमने टिकट देकर, जिनको जिसको आज़ादी से लेकर अब तक कभी टिकट नहीं मिला था, अति पिछड़ा में लखनलाल पंडित जी को हमने टिकट दिया, कुमार जाति से था, पहली बार हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने मंच से ये भी साफ कर दिया कि टिकट की आस में वीआईपी ज्वाइन करने वाले नेताओं को वीआईपी में हताशा ही हाथ लगेगी, जो डिजर्विंग होगा मुकेश सहनी उसी को टिकट देंगे। जरा बयान सुनिए। पार्टी में मजबूती से जुड़ रहे हैं और जब आप जुड़ रहे हैं तो हम मौका तब देंगे जब आप मौका लेने लायक रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्टी में आ गए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी में हम टिकट आपको देंगे तब जब आप चुनाव जीतने लायक रहेंगे। तो इसलिए आप तमाम हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव पर फेवरेटिज्म का भी आरोप लगता रहा है। कहा यह जाता है कि तेजस्वी यादव अपने करीबी 3-4 नेताओं को ही बड़ा पद और टिकट देते हैं। इसी कड़ी में आपने देखा कि किस तरह से ये 3 बयान देकर इशारों में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहीं मुकेश सहनी एनडीए ज्वाइन करने वाले तो नहीं है? क्या महागठबंधन और इंडिया अलायंस के साथ रहकर ही मुकेश सहनी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? सवाल कई हैं और जवाब के लिए हमें मुकेश सहनी के अगले पॉलिटिकल मूव का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।